नई व्हीकल एक्ट के खिलाफ देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों में नाराजगी है और सोमवार को हड़ताल कर केंद्र सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं ड्राइवरों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पेट्रोल पंप और सब्जियों पर देखने को मिला। ट्रक टैंकर नहीं चलने से सप्लाई प्रभावित हुआ है। वहीं इंदौर सहित कई शहरों में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली है। हालांकि इंदौर में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मांगलिया से टैंकर पहुंचे, बावजूद इसके पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को भारी भीड़ देखने को मिली है। मंगलवार की सुबह कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी खुद मांगलिया पहुंचे और पेट्रोल डीजल सप्लाई व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही टैंकर चालकों से चर्चा की है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल डीजल को निरंतर सप्लाई चालू किया जाए। किसी कारण से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, उस चक्कर में सभी जगह पेट्रोल पंप बंद है, पर पुलिस के पेट्रोल पंप चालू है। किसी कारण से हमारे पास स्टॉक भी है और हम बकायदा इनको लाइन में लगा, जैसा आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था बनाए हुए, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, लगातार इसको वॉच कर रहा है, देख रहा है और किसी को अव्यवस्था ना हो, सभी को पेट्रोल मिले और कोई भी किसी अर्जेंट काम अगर है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं हमारे पेट्रोल पंप में। और वैसे भी पुलिस हर जगह पब्लिक की सेवा के लिए है, वो हम लोग सेवा कर ही रहे हैं। नहीं, सुबह से हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो कर रहे हैं, लोग भी बड़े सहयोगी हैं और हम लोगों ने व्यवस्था अपनी व्यवस्थित कर रखी है, जिसके कारण से कोई बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के सब कुछ हो रहा है। ये प्रथम वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का पेट्रोल पंप है जो पुलिस का पेट्रोल पंप कहलाता है, पोलोग्राउंड चौराहे पर। कितने पुलिस कर्मी की टीम यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख हम लोग दोनों तरफ लगभग 8 पुलिसकर्मी एक साथ लगे हुए हैं और ये लगातार मैन करेंगे, हर 6-6 घंटे में उनको बदलते जा रहे हैं और उनको जो लोग आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से लें। खास तौर पर हम ध्यान दे रहे हैं जो बच्चियां और महिलाएं अगर आ रही हैं तो उनको हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टर मास्टर राम निवास यादव।